हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन माय टीच वर्ल्ड। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटोर इमरान। तो दोस्तों, आज हम जो क्लिप बनाने वाले हैं, पहले एक बार आपको मैं इसका प्रीव्यू दिखा देता हूं। हम जो आज बनाने वाले हैं, हमारे चैनल पर मैं आया हूं माय टीच वर्ल्ड के, तो हमने ये हमारी वीडियो वायरल वीडियो जो है ये कैसे हमने बनाई थी, क्या हम बनाने वाले हैं। तो देखिए, ये जो एनिमेशन आपको स्क्रीन पर अभी शो हो रहा है, ये एनिमेशन मैं आपको बनाने वाला हूँ, बनाकर दिखाने वाला हूँ कैसे ये मैंने बनाया था। तो चलिए चलते हैं आफ्टर इफेक्ट की तरफ। तो आफ्टर इफेक्ट में मैं खोल लेता हूँ जल्दी से। बनाने के लिए मैं आफ्टर इफेक्ट का CS6 वर्जन यूज करने वाला हूं। तो इसमें करेंगे क्या, जल्दी से हम यहां पर एक न्यू कंपोजिशन लेंगे। न्यू कंपोजिशन के लिए आप कंट्रोल N से भी ले सकते हैं, या सिंपली यहां पर क्लिक करके, राइट क्लिक करके न्यू कंपोजिशन ले सकते हैं। तो न्यू कंपोजिशन लेने के लिए हमें यहां पर इसकी सेटिंग्स क्या होगी वो आप कर लेंगे, जो भी आप इसका साइज रखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं, इसका बैकग्राउंड जो कलर है बाय डिफॉल्ट हम यहां पर ग्रीन करेंगे, क्योंकि ग्रीन इफेक्ट ही हमें बनाना है, एनिमेशन हमें बनानी है, तो ग्रीन इफेक्ट पर ही हम काम कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर ग्रीन ले लेंगे। अगर आप नहीं भी लेते हैं, भूल जाते हैं, तो बाद में भी आप इसको कंट्रोल के करके चेंज कर सकते हैं। चलिए ओके कर देता हूं। अभी मेरी कंपोजिशन का कलर आ गया, बैकग्राउंड कलर। अभी मुझे जो मेरी इमेज है वो मैं इसमें इंपोर्ट कर लेता हूं। इंपोर्ट करने का दोस्तों सिंपल सा तरीका है, यहां पर इस वर्क एरिया में आप डबल क्लिक करेंगे और सीधा आपके कंप्यूटर में चला जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर में जाने के बाद ये मेरी इमेज है, ये देखिए, ये मैंने ओपन की और यहाँ पर ये इमेज आ गई। इस इमेज को पकड़ करके, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, इस इमेज को पकड़ करके आप ड्रैग करके ड्रॉप करिए यहाँ पर नीचे की तरफ टाइमलाइन में, क्योंकि इससे होगा क्या, आपकी इमेज जो है डायरेक्टली बिल्कुल सेंटर में आएगी बाय डिफॉल्ट। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप उठा करके यहाँ पर भी रख सकते हैं, लेकिन ये सेंटर में नहीं आएगी, कहीं पर भी आ सकती है, ठीक है। अगर आप सेंटर में चाहते हैं, ठीक है, इसको ड्रैग कीजिए और टाइमलाइन में ड्रॉप कर दीजिए, बिल्कुल सेंटर में आ गया है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें करेंगे क्या, हम यहाँ पर इनिशियल स्टेज पर जो हमारा ये यहाँ पर टाइमलाइन इंडिकेटर जो है, यहाँ पर ये देखिए टाइमलाइन इंडिकेटर है, अभी क्या है, जीरो पर है ये, तो जीरो पर ही हम करेंगे क्या, इस पर की फ्रेम लगाएंगे। की फ्रेम लगाने हैं सिर्फ दो, हमें दो की फ्रेम कौन कौन से लगाने हैं, पहला पोजिशन का की फ्रेम लगाएंगे, सेकेंड स्केल का की फ्रेम लगाएंगे। पोजीशन हमें यही रखनी है, इसकी यहीं पर रखनी है। स्केल क्या रखनी है, स्केल में बता दूँ आपको, स्केल हम करेंगे इसकी जीरो, ठीक है, और एंटर कर देंगे यहाँ पर। सिंपली देखिए यहाँ पर, या तो आप जीरो करके एंटर करके, जीरो प्रेस करके एंटर कर दीजिए, या फिर आप ये जो एरो की आ रहा है इससे बड़ा करा कर भी जीरो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे माइनस में भी चला जाता है। तो आप सिंपली क्लिक करें, जीरो दबाएं, एंटर दबाएं, ये हो गया, ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर दो की फ्रेम ये शो कर रहा है, ये दोनों की फ्रेम, ये पोजीशन का की फ्रेम है, राइट, और ये हमारा की फ्रेम है स्केल का। इसके अगर आप ध्यान से देखें, इसके राइट साइड में जो है 0% लिखा है, तो हमारी स्केल जीरो मैंने यहाँ की थी, पोजीशन मैंने लॉक कर दी थी इसकी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो भी पोजीशन है मैंने जहाँ पर भी है वहीं पर लॉक कर दिया। अब इसको मेरे को करना क्या है, सिंपली इस चीज़ को जो हमारा इंडिकेटर है इसको उठा करके ड्रैग करके हम ले जाएंगे जितनी भी सेकंड की कंपोजिशन आपको बनानी है। मैं यहाँ पर 16 सेकंड पर ले जाता हूँ। ले जाने के बाद फिर से यहाँ पर मुझे की फ्रेम लगाने हैं। देखिए, इस बार की फ्रेम लगाने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको दोबारा यहाँ पर ये जो घड़ी वाले निशान जो फर्स्ट टाइम मैंने क्लिक किया था, यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे, आपको ये जो बीच में पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। देखिए, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ पोजिशन पर, तो यहाँ पर एक की फ्रेम आ गया, अगर आप ध्यान से देखिए छोटा सा येलो कलर का की फ्रेम आ गया है। अगर मैं दूसरे वाला पोजिशन पर क्लिक करूँ तो वहाँ पर एक और की फ्रेम आ जाएगा पोजिशन की लाइन में, राइट। देन अभी करना क्या है, हमें पोजिशन तो चेंज नहीं करनी है क्योंकि सेम पोजीशन पे हमें चाहिए, सिर्फ हम स्केल चेंज करेंगे। स्केल में यहाँ पर फिर से आइए, स्केल चेंज करने का तरीका मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था, या तो आप इसको यहाँ पर क्लिक करके, ये एरो दिखाई दे रहा है, कोई सी भी तरफ ड्रैग करके बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखिए ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो ये बढ़ गया है साइज, या फिर जितनी आप स्केल करना चाहते हैं सिंपली क्लिक करें। मैं यहाँ पर 200 कर देता हूँ, 200 पे करके एंटर करूँगा, तो अभी मैं इस कंपोजिशन को शुरू में लाकर स्पेस बार दबाऊंगा तो प्ले हो जाएगी। ये देखिए ऐसे कंपोजिशन हमारी तैयार हो गई है, पीछे से आगे की तरफ ये गन फायर होने के बाद फ्रंट व्यू से आ रही है, ठीक है। तो अभी क्या है, मुझे इसका जो है जूमिंग और बढ़ानी है और करीब लानी है, तो मैं इस करूँगा क्या, अब मैं लास्ट वाले की फ्रेम पर जाऊँगा। देखिए करीब जा करके मैं इधर एरो की जो है यहाँ पर ये इस पर क्लिक करूँगा तो की फ्रेम पर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। देन अभी इसके स्केल में यहाँ पर जो करूँगा 300 यहाँ पर स्केल कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, शुरू से लाऊँगा इंडिकेटर को, स्पेस बार से प्ले करूँगा, तो देखिए अब ये आ गई है यहाँ पर, सिंपली आ रही है। तो जो एनिमेशन हम बनाना चाहते थे वो एनिमेशन ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कितनी सिंपल और इजी तरीके से मैंने आपको बताया है।
बहुत ही आसान तरीके से आप ये एनिमेशंस बना सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो कोई भी साइज़ आप ले सकते हैं। मैं इसको 200 ही ले लेता हूँ, बेस्ट लग रहा था वो। तो 200 लेकर के अगर आप देखें तो यहाँ पर आराम से ये एनिमेशन प्ले हो जा रही है। ठीक है गाइज, तो अब बात करते हैं इसका रेंडर करने की। रेंडर करने के लिए आपको करना क्या होगा इसके अंदर, ये एनिमेशन तो आपने तैयार कर लिया आफ्टर इफेक्ट के अंदर, अब इसे वीडियो बनाना है। तो मेरे दोस्त जो पहली बार देख रहे हैं, CS6 हो या आपका लेटेस्ट वर्जन हो या इसका प्रीवियस वर्जन हो, कोई भी वर्जन हो, इसके लिए रेंडर कर, इसको बोलते हैं रेंडरिंग। रेंडर करना क्या होता है, ये एक एज ए वीडियो आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। उसके लिए करना क्या होगा, कंट्रोल एम आप दबा सकते हैं जो कि शॉर्ट की है, या फिर यहाँ ऊपर कंपोजिशन में जाएं। कंपोजिशन में जाने के बाद एड टू रेंडर क्यू, ये यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दें, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सेलेक्ट करें, कंट्रोल एम दबाएं। कंट्रोल एम दबाते ही आपके पास एक ऑप्शन खुलकर आएगा, यहाँ पर देखिए ये आ रहा है, इस पर आप रेंडर पर क्लिक कर दें। जैसे आप रेंडर पर क्लिक करेंगे तो सिंपली ये आपका रेंडर होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वीडियो में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। सो गाइज, ये रेंडर होकर हम वीडियो हमारे सिस्टम के अंदर बन के आ चुकी है वीडियो। तो मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ, VLC प्लेयर में प्ले होगी। ध्यान से देखें आप, इसके ऊपर कंपोजिशन 1 आया था लिखा हुआ। तो ये कंपोजिशन जो हमने बनाई है, ये वो कंपोजिशन है, और जो हमारे PC में थी यानी कि YouTube पर है, ये वो कंपोजिशन है। ठीक है, ये देखिए सेम वही कंपोजिशन हमने बनाई है आफ्टर इफेक्ट के अंदर, राइट। तो ईजिली आप बना सकते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर इस तरह के बहुत सारे कंपोजिशन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपना प्यार दीजिए शेयर कर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और ऐसी ही कंपोजिशन बनाना सीखना चाहते हैं, आफ्टर इफेक्ट के ट्यूटोरियल सीखना चाहते हैं, तो गाइज इस चैनल को लाल बटन का सब्सक्रिप्शन बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।